धीज द स्पिनर इज स्पन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना ये स्पिनर है, तो स्पिनर है उसमें वहाँ पे नंबर है, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद अब स्पिनर स्पन किया, घुमाया, उसके बाद हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहला जो है वो है 1, ठीक है, 1 की हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह का शेप था, ठीक है, ऐसा था, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो देखो यहाँ पे इसमें 1 कितने में आता है, 1 जो है 1 ही बार आता है स्पिनर में, तो इसीलिए एन ओ पी कितना होगा, 1 होगा। इससे ऊपर लिखा 1 और नीचे एन ओ पी, अजमी इसका टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 3 नंबर है, तो इसीलिए नीचे जो है 3 आ गया। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इसलिए तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो पहले इसकी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, 1/3।